हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बढ़िया एंड्रॉयड ऐप्स के बारे में, जिनके मदद से आप कुछ न्यू स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। जैसा कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो अगले महीने से बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस की और स्कूल्स की छुट्टी लगने वाली है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है, जैसे वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, डाटाबेस वगैरह, जिसमें भी इंटरेस्ट हो आपका, तो अगर आपको भी उनसे रिलेटेड स्किल्स डेवलप करनी है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है या फिर कोडिंग सीखनी है, तो गर्मी की छुट्टी यार बहुत ही अच्छा टाइम होता है अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हुए। तो गर्मी की छुट्टी काफ़ी अच्छा टाइम रहता है, करीब 30-40 दिन मिल जाते हैं, जिसमें आप बेसिक नॉलेज तो कवर कर ही सकते हो, बेसिक स्किल्स डेवलप कर सकते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे उसी बारे में कि कौन से बेस्ट ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी बेसिक स्किल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो, और बाकी एडवांस के लिए भी बाद में एक वीडियो बना देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और यार वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कोई बीच में ऐप हो जो काफ़ी अच्छा हो जाए आपके लिए। देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, सबका समझाने का तरीका एक जैसा नहीं होता, हर ऐप में कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलता है, तो क्या पता आपको कौन सा तरीका पसंद आ जाए। और हाँ, वीडियो में क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा, उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बढ़ते हैं अब वीडियो में आगे। सो गाइज, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन पर, और सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पर। और जो नंबर 1 पर ऐप है ना यार, वो बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसका नाम है सोलो लर्न। तो आई होप आपने ये ऐप, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह से पहले आपने कभी सर्च वगैरह किया होगा, तो आपको ये ऐप का नाम ज़रूर सुनाई दिया होगा, और बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं पर्सनली इसे यूज़ कर चुका हूँ। तो आप इसे अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लीजिए, अभी फ़िलहाल तो मैं इसे अपडेट नहीं करता हूँ। तो सोलो लर्न जो ऐप है, बहुत ही अच्छा ऐप है, मैंने इसे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनमें ग्रीन, जैसे PHP मैंने इससे पढ़ी है, HTML, CSS वगैरह मैंने पढ़ी है, Python वगैरह इससे पढ़ी है। तो काफ़ी अच्छा ऐप है यार इसके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले चलता हूँ आपको HTML लैंग्वेज की तरफ, मतलब लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, स्टैटिक लैंग्वेज एक तरीके से। तो HTML पर आप देख सकते हैं जैसे एग्जांपल, तो इसमें क्या होता है, पहले ही आपको बताता है जो भी आपका टॉपिक होगा उसके बारे में, फिर नेक्स्ट उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, फिर उसके बारे में कुछ बताएगा नेक्स्ट थिंग, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। और साथ में यहाँ पर आप चैलेंजेस भी लगा सकते हैं दूसरों जो लोग होते हैं कम्युनिटी में, कोई क्वेश्चन होता है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके अपनी चैलेंजेस आते रहते हैं सोलो लर्न पे, तो आप उन पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं यार इसमें, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से भी रिलेटेड इसमें है। तो करना अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो, एडवांस तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बेसिक ज़रूर आपके इस ऐप से क्लियर हो जाएंगे। देन सेकेंड नंबर पर हमारे पास है प्रोग्रामिंग हब ऐप। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऐप है प्रोग्रामिंग हब, इसमें भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए मिलती हैं। तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे भी सीख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं। तो यहाँ पर कोर्सेज में अगर आएंगे तो देखेंगे आप, मतलब कुछ इसमें पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, मतलब जो फ्री वाले हैं वो एनफ होंगे आपके फ्री बेसिक डाउट्स या बेसिक स्किल्स डेवलप करने के लिए। तो देख सकते हैं कितनी सारी लैंग्वेजेस दे रखी हैं, IT बेसिक्स है, HTML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CSS वगैरह है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह दिख रही है मुझे, तो काफ़ी कुछ है यार। अगर आप चाहो तो इसमें से स्टार्ट कर सकते हो बेसिक आइडियाज़ और बेसिक स्किल डेवलप करने के लिए। तो मतलब अगर समर वैकेशन लग रहा है तो आप बेसिक स्किल्स तो आराम से इन ऐप्स की मदद से डेवलप कर ही सकते हो। और एक और ऐप है लास्ट में जिसका नाम है Encode, वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, हालांकि उसमें खाली 3 ही लैंग्वेजेस मुझे दिखाई दी, मैंने वो ऐप आज ही देखा, सच बताऊं तो एक्सप्लोर करके इससे पहले मैंने नहीं देखा था, लेकिन मैंने जब इसको देखा तो काफ़ी सही ऐप लगा, इसका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं नीचे पाइथन, जावास्क्रिप्ट और वेब, वेब में HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट और पाइथन। तो फॉर एग्जांपल वेब पर आते हैं तो देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा टेक्स्ट वगैरह दे रखा है, साथ में नीचे कोड एडिटर है जिसपे आप कोड डाल के रन कर सकते हैं, और साथ में चैलेंजेस वगैरह भी आप एनेबल कर सकते हैं, देख सकते हैं नीचे दे रखा है। तो ये सारे पेड ऑप्शंस है, प्रो अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्री पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी बेसिक्स नॉलेज ये आपकी इजीली क्लियर कर देता है। तो ये 3 ऐप थे जिनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे यार प्ले स्टोर पर ना बहुत सारे ऐप है, जैसे खान अकेडमी हो गया, टिंकर हो गया, यूडेसिटी हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, आप एक बार गूगल सर्च भी कर लेना, लेकिन ये 3 जो हैं मुझे सही लगे और जिन्हें मैं रिकमेंड करता हूँ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि आप कौन सा ऐप यूज़ करोगे और आपको सीखनी कौन सी लैंग्वेज है, किस में आपका इंटरेस्ट है। सो एज ऑलवेज मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।